Hello everyone, good afternoon. So we were learning in mechanics that body placed on a inclined plane, how equilibrium will be considered. अगर कोई बॉडी जो है इंक्लाइन प्लेन पर रखी है तो हम किस तरीके से जो है उस बॉडी का वो इक्विलिब्रियम या बैलेंस कंडीशन को किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से उस पर बेस्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके अलावा हमने अगर बात करें फ्रिक्शन की तो हमने लगभग लगभग सारी चीज़ें फ्रिक्शन में क्लियर कर ली थी कि फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है. उसके अलावा एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं, या मैक्सिमम इंक्लाइन प्लेन पे कितना एंगल पे प्लेन को इंक्लाइन होना चाहिए कि बॉडी जो है विदाउट यानी फोर्स मतलब सेल्फ वेट की वजह से कितने एंगल तक जो है बॉडी मूव नहीं करेगी, मतलब कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा बॉडी को बैलेंस को बनाए रखेगा. ये सब चीज़ें हमने इसके पहले प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस करी थी. उसके अलावा हम देख रहे थे कि अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे है तो उसको किस तरीके से बॉडी को क्या नाम है बैलेंस या इक्विलिब्रियम बॉडी का किस तरीके से बना रहता है, उसकी एनालिसिस हमने प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे. इसके अलावा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कोई बॉडी रखी हुई है तो उस केस में कितना मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा बॉडी को मूव कराने के लिए या कितना लोड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, वो पर्टिकुलर जो एक्सिस है जिस प्लेन पर रखी गई उस प्लेन के पैरेलल कितना फोर्स लगेगा, उससे थीटा एंगल पे कितना फोर्स लगेगा, ये सब चीज़ें जो है और कितने एंगल पे हम फोर्स लगाएंगे तो हमारा मिनिमम एफर्ट के थ्रू बॉडी मूव कर जाएगी, यानी कि कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इस पर हमने इस पर बेस्ड कुछ जो है न्यूमेरिकल्स भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे. अब इंक्लाइंड प्लेन की अगर हम बात करें रफ इंक्लाइंड प्लेन की तो वहाँ पे हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया था जब जो लगने वाली फोर्स है वो हमारे इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल होगी, लेकिन क्या होगी कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी. पहला हमने यही पढ़ा था कि इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में लगेगी लेकिन अपवर्ड लगेगी, ठीक है. अब दूसरा केस है इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी विच इज एट इंक्लाइंड प्लेन एंड अ फोर्स पी टू एक्टिंग एक्टिंग अपोजिट द मूवमेंट ऑफ बॉडी, सेल्फ वेट मूवमेंट ऑफ बॉडी, मतलब कि अगर बॉडी सेल्फ वेट की वजह से मूव कर रही है तो उसके अगेंस्ट जो है हम फोर्स कंसीडर कर रहे हैं, उस केस की बात कर रहे हैं. अब देखिए यूजुअली देखिए बॉडी अगर मूव करती है सेल्फ वेट की वजह से तो वो नीचे की तरफ मूव करती है. क्यों नीचे की तरफ मूव करती है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने पहले भी आपको बताया था कि ये जो वेट डब्ल्यू है इसका अगर हम प्लेन के जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके परपेंडिकुलर और पैरेलल उसके पैरेलल कंपोनेंट निकालते हैं इस वेट डब्ल्यू का तो ये कंपोनेंट आएगा डब्ल्यू कॉस थीटा जो कि रिएक्शन फोर्स को बैलेंस करेगा, रिएक्शन फोर्स जिसको बैलेंस करती है. और दूसरा जो फोर्स आएगा डब्ल्यू साइन थीटा वो क्या करेगा बॉडी को नीचे की तरफ खींचने का प्रयास करता है, नीचे की तरफ मूव कराने का प्रयास करता है. तो यहाँ पे हमने क्या किया था इसकी एनालिसिस की हुई थी. तो उस केस में जब बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही थी तो हमने क्या किया था ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा दिया. अब सेकेंड केस जो हमारा है इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि बॉडी नीचे की तरफ ना मूव करके ऊपर की तरफ मूव करेगी. तो ऊपर की तरफ यूजुअली वैसे बॉडी ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट नहीं मूव करती है, ठीक है, लेकिन एक केस अगर हम यहाँ पे इसको कंसीडर कर रहे हैं कि हमारी बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, अगर आपको ऐसे हाइपोथेटिकल केस दिए जाएं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर बॉडी आपकी सेल्फ वेट की वजह से नीचे की तरफ मूव कर रही हो जबकि बात करें जैसे पहला केस था तो बॉडी अगर नीचे की तरफ मूव कर रही थी है ना, तो नीचे की तरफ मूव करने के लिए हमें मतलब कि अगर बॉडी का जो सेल्फ वेट है वो आपके लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी क्या करेगी नीचे की तरफ
मूव करना स्टार्ट कर देगी, वो सेल्फ वेट की वजह से होगा, है ना। लेकिन अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमने कोई फोर्स पी टू लगाया, तो वो कितना मिनिमम फोर्स लगाना होगा कि बॉडी क्या करे, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे, है ना। इसके पहले जो हमने लगाया था वो इसलिए लगाया था कि बॉडी जब नीचे की तरफ मूव कर रही हो तो उसको बैलेंस करने के लिए। अब हमें दूसरे केस में ये देखना है कि हम अगर लगा रहे हैं, बॉडी अगर ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो हमें कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए पहला केस क्या था, जब वस्तु न्यूनतम आवश्यक तल के अनुदिश लगा हो, ये तो हमारा इसमें फिर दो केस बनते हैं। इंक्लाइंड प्लेन पे पहला क्या है, साम्य अवस्था बनाने के लिए न्यूनतम बल P1 ज्ञात करना जब नीचे की तरफ फिसल रही हो। जब नीचे की तरफ फिसलेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू से जो वेट का साइन कंपोनेंट है, साइन W साइन अल्फा, ये ज़्यादा होगा तो नीचे की तरफ फिसलेगी। तो इसके इक्विलिब्रियम को बनाने के लिए हमें P1 ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। तो ये हमें P1 की वैल्यू जो हमने देखा था फर्स्ट केस में कि P1 कितनी अमाउंट में लगेगा। अब दूसरा केस बात करें, बॉडी की जो साम्यावस्था इक्विलिब्रियम है उसको बनाने के लिए हमें P2 जो है एक फोर्स निकालनी है जिससे वस्तु क्या करे, ऊपर की तरफ जस्ट मूव करने वाली है, है ना। ये कम से कम कितना बल हो कि जो हमारा बॉडी है ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे देखिए वेट का जो आपका बॉडी वेट होगा उसका इस तरीके से ही कंपोनेंट लेते हैं। तो W कॉस अल्फा जो होगा वो परपेंडिकुलर टू प्लेन लगेगा, इंक्लाइंड प्लेन, और W साइन अल्फा होगा क्या होगा आपका प्लेन के पैरेलल लगे। अब देखिए पहले क्या था, अगर यहाँ पे कोई वेट ना लगा होता, मान लीजिए बॉडी इस W साइन अल्फा की वजह से नीचे जाती, तो W ये जो आपका म्यू आर टू दिख रहा है ये आपका ऊपर की तरफ लगता, उसके बाद भी अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन को भी बॉडी क्रॉस कर जाती, लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू को भी क्रॉस कर जाती बॉडी का वेट, तो हम एक्स्ट्रा फोर्स लगाते, वो हमारा जीवन था। इस केस में हम मान रहे हैं कि बॉडी जो है हमने एक पी टू लगाया है जस्ट ऊपर की तरफ मूव करने वाली है, तो ये मिनिमम पी टू की वैल्यू कितनी होगी कि जब हमारी बॉडी जस्ट ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी, यही हमें ज्ञात करना है। अब एज यूजुअल सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कंपोनेंट लेते हैं, कंपोनेंट हमने ले लिया। अब देखते हैं कि बैलेंसिंग के लिए, बॉडी के संतुलन के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए ये ज़रूरी है कि बॉडी जिस प्लेन में रखी गई है उस प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर लगने वाली फोर्सेस क्या हों, बैलेंस हों, है ना। यानी कि लगने वाली फोर्सेस का समेशन एल्जेब्रिक सम क्या हो, वो इक्वल टू जीरो हो। एल्जेब्रिक की बात करेंगे तो विद साइन, है ना। अब पहले देखिए अगर हम बात करें परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे P2 ऊपर की तरफ लग रहा है ना, ये जस्ट मूव कराने का प्रयास कर रहा है, तो जब जस्ट मूव कराने ही वाला होगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, वो इस P2 का अपोज करेगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू इंटू आर टू। आर टू आपको पता है कि ये W साइन अल्फा के बराबर है, सॉरी W कॉस अल्फा के बराबर है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है हमारी, नीचे की तरफ लग रही है, और P2 क्या है, ऊपर की तरफ लग रहा है। उसके अलावा बात करें तो बॉडी का वेट W साइन अल्फा भी नीचे की तरफ इस प्लेन के लग रहा है। अब अगर बैलेंसिंग की बात करेंगे तो यहाँ से P2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक तो आपका सेल्फ वेट बॉडी का, उसका साइन कंपोनेंट W साइन अल्फा, और प्लस म्यू आर टू, है ना, W साइन अल्फा प्लस म्यू आर टू। अब यहाँ से अगर आप R2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, R2 की वैल्यू चूंकि आपको पता है कि अगर आप यहाँ से दोनों, अच्छा चलिए अगर आप चाहें तो यहीं पे इक्वेशन को
छोड़ सकते हैं, और यहाँ से फिर R2 की वैल्यू निकाल के वहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आप R2 की वैल्यू W साइन कॉस अल्फा उठाइए और निकाल के वहाँ पे रख दीजिए। तो P2 बराबर होगा W साइन अल्फा म्यू W कॉस अल्फा। अब यहाँ से अगर आप W कॉमन लेंगे तो साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा। अब आपको पता है कि जो म्यू होता है वो हमारा क्या होता है, टैन फाई, है ना। म्यू इक्वल टू टैन फाई, यानी कि फाई हमारा क्या है, फ्रिक्शन एंगल है। तो यानी कि म्यू को हम टैन फाई की जगह साइन फाई बाई कॉस फाई के फॉर्म में रख देते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, W फिर साइन अल्फा, ब्रैकेट में जहाँ पे आपका म्यू था वहाँ पे आपने साइन फाई बाई कॉस फाई रखा इंटू कॉस अल्फा। तो W कॉमन ही रहने दीजिए और ये क्या हो जाएगा आपका, साइन अल्फा साइन कॉस अल्फा साइन फाई बाई कॉस फाई। तो W, अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो गया। यानी कि W साइन अल्फा प्लस फाई अपॉन कॉस फाई। तो आपने डिफरेंस जो देखा होगा पहले केस और दूसरे केस में, पहले केस में जो आपको रिक्वायर्ड फोर्स थी वो W साइन अल्फा माइनस फाई थी अपॉन कॉस फाई, यहाँ पे अल्फा प्लस फाई अपॉन कॉस फाई है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके अलावा अब बात करें कि बॉडी जो है वो इंक्लाइंड प्लेन पे ही है, लेकिन जो हमारा लगने वाला फोर्स है वो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल ना लग के जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके पैरेलल लग रहा है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, तो बॉडी की बैलेंसिंग कैसे देखेंगे। तो अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो इसमें क्या होगा कि सारी चीज़ें वही होंगी जो हमारा अप्लाइड फोर्स होगा, वो मान लीजिए कि आपका हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अब एक चीज़ हमको ये बताइए, आप देखिए यहाँ पे जो हमारा मान लीजिए जो वेट W है वो नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, अगर इस प्लेन का इंक्लिनेशन एंगल अल्फा है तो चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ऐसे आपको थोड़ा नहीं समझ में आएगा। ये मान लीजिए ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है जो कि अल्फा पे इंक्लाइन है। अब देखिए यहाँ पे आपकी कोई बॉडी रखी गई है, मान लीजिए यहाँ पे आपकी कोई बॉडी जिसका वेट W है, ये बॉडी का वेट है मान लीजिए। ठीक है, ये आपका अल्फा है। अब देखिए अगर ये एंगल अल्फा होगा और ये एंगल आपको पता है W वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है तो ये 90 हो जाएगा, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। अब अगर हम W का कंपोनेंट इधर लेते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है, और एक लेते हैं इधर, यही तो करते हैं। अब हमने यहाँ पे एक और माना कि ये जो है हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक फोर्स हमारी बॉडी पे लग रही है। ठीक है, अब देखिए अगर जो है ये एंगल 90 है, ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अल्फा। क्यों अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये 90 ये अल्फा, तो ये हाँ। तो देखिए जो अप्लाइड फोर्स है वो हमारा हॉरिजेंटली एक्ट कर रहा है, तो अगर हम कंसीडर करेंगे, मान लीजिए ये आपका अप्लाइड फोर्स P है जो कि हॉरिजेंटल के पैरेलल है,
ये आपको जो हॉरिजेंटल प्लेन दिख रही है इसके ये पैरेलल है, ठीक है। तो अगर ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, ये आपका क्या हो जाएगा, अगर ये आपका 90 हो गया तो 90 माइनस क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा। तो जब ये अल्फा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा होगा। और इस तरीके से ये जो आपका प्लेन बनेगा, मतलब कि आपका पैरेलल टू दिस प्लेन जो एंगल सॉरी ये जो आपका एंगल बनेगा, क्योंकि ये क्या होगा, अगर आप इसका कंपोनेंट देखेंगे तो ये क्या होगा, ये आपका जो दिख रहा है, मतलब कि आपका W का कंपोनेंट है ना, ये W है, तो ये W क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, W कॉस अल्फा, ठीक है। ये क्या होगा, ये पैरेलल परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें पैरेलल टू प्लेन कंपोनेंट निकालने की, तो ये अगर 90 माइनस अल्फा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये टोटल जो एंगल होगा आपको, आपको जो ये एंगल दिख रहा है, मान लीजिए ये ए है, ये है आपका ये जो मीटिंग पॉइंट है, इसको मान लीजिए पॉइंट ओ, ठीक है, और ये क्या है आपका बी। तो ये जो आपको ए ओ बी एंगल दिख रहा है, ए ओ बी, ये 90 होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर प्लेन है, ठीक है, ये 90 होगा। और ये एंगल क्या होगा, ये 90 माइनस अल्फा होगा, ये आपका 90 माइनस अल्फा होगा, तो अगर हम बात करेंगे तो ये एंगल जो हमारा है, दैट इज बिटवीन हॉरिजेंटल एंड डब्लू कॉस अल्फा के बीच में, यानी कि पी और डब्लू कॉस अल्फा के बीच में 90 माइनस अल्फा हो गया, तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इस एंगल की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा अल्फा। तो अब अगर हम इस फोर्स पी का कंपोनेंट लेंगे तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, पी पी कॉस अल्फा, ठीक है, पी कॉस अल्फा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे एंगल आएगा पी कॉस अल्फा, ठीक है, एक कंपोनेंट जो कि क्या होगा, इस प्लेन के पैरेलल लग रहा होगा। तो वही चीज आपको यहां पे दिखाया गया है, ये एंगल जो आपका है ये पी कॉस अल्फा यहां लग रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करेंगे दूसरा कंपोनेंट, तो दूसरा कंपोनेंट इसी की डायरेक्शन में लग जाएगा, ये तो ये आपका होगा पी शाइन अल्फा, है ना, इसी डायरेक्शन में आपका लग जाएगा पी साइन अल्फा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो फोर्सेस हमारी हैं, सेम वही प्रोसीजर कि फोर्सेस को हम बैलेंस कर लेंगे प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को, तो यहां पे आपको दिया हुआ है, यहां पे आप देखिए, तो यहां पे आपको दिया हुआ है, एक तो आपका जो फोर्स है पी वो प्लेन के परपेंडिकुलर और पैरेलल डायरेक्शन में आपने रिजॉल्व कर लिया है। रिजॉल्व करने के बाद आपने यहाँ पे आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अब आपको एक रिएक्शन फोर्स आर वन नजर आ रही है, उसके अलावा इस पी का कंपोनेंट पी वन अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो पी वन साइन अल्फा वो इसके पैरेलल आर वन के अपोजिट लगेगा, और साथ ही साथ क्या होगा, W cos अल्फा भी लग रहा होगा। तो अगर इस तरीके से अगर हम बात करें फोर्सेस के बैलेंस की, तो जो आपका पैरेलल टू प्लेन जो कंपोनेंट आएंगे या जो फोर्सेस लग रही होंगी, एक तो आपका लग रहा है P1 cos अल्फा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ ड्रैग करने का प्रयास करेगा, और ये किसके बराबर होगा, W1 साइन अल्फा, और अगर बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो फ्रिक्शन हमारा किधर लगेगा, इस बॉडी के मूवमेंट के अगेंस्ट लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका P1
कॉस अल्फा, और साथ ही साथ आपका क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। अब देखिए यहाँ पे मैटर ये करता है, ये मैटर करता है कि आपकी बॉडी किस तरह मूव कर रही है। हम पहला केस ये मान के चल रहे हैं कि जब हमारी बॉडी जो है, जो फोर्स है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है, जबकि प्रीवियस केस में हमने पैरेलल माना था इंक्लाइंड प्लेन के। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि फोर्स हमारी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लग रही है, और उसमें पहला केस ये है कि बॉडी हमारी नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो अगर हम बॉडी के मूवमेंट को नीचे की तरफ मान रहे हैं, उस केस में ये हम मान रहे हैं कि ये जो फोर्स हमारी डब्ल्यू साइन अल्फा है इज ग्रेटर देन दैट, ग्रेटर देन द फोर्स एफ वन दैट इज म्यू आर वन, है ना, तभी नीचे की तरफ मूव करेगी। तो यानी कि जब नीचे की तरफ मूव करेगी तो आपकी फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर वन ऊपर की तरफ लग रही होगी। तो ऊपर की तरफ लगने वाली या पैरेलल डायरेक्शन में इंक्लाइन प्लेन के दो फोर्सेस हो गए, एक तो पी वन कॉस अल्फा और एक म्यू आर वन। तो यहाँ से आप बात करेंगे पी वन कॉस अल्फा प्लस म्यू आर वन या एफ वन, ये आपकी बराबर होगी नीचे की तरफ लगने वाली वेट के कंपोनेंट डब्ल्यू साइन अल्फा के। तो यहाँ से आपका अगर आप निकालेंगे तो आर वन हो, यहाँ से आप निकालेंगे तो पी वन कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू कॉस डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस म्यू आर वन। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, पी वन कॉस अल्फा बराबर डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस म्यू आर वन। बात करते हैं परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, तो यहाँ पे आपका आर वन लग रहा है ऊपर की तरफ प्लेन के, और नीचे की तरफ आपका लग रहा है पी वन साइन अल्फा, और साथ में क्या लग रहा है डब्ल्यू का कॉस कंपोनेंट। तो अगर इसकी बैलेंसिंग की बात करेंगे तो यहाँ से हमारा आर वन बराबर किसके हो जाएगा, पी वन साइन अल्फा प्लस डब्ल्यू कॉस अल्फा। अब आपको पता है म्यू की वैल्यू जैसे आप रखते हो, म्यू इक्वल टू टेन फाइव होता है, टेन फाइव को आप साइन फाइव बाई कॉस फाइव रख सकते हो। तो आप यहाँ पे वो वैल्यूज पुट करेंगे, तो आप जब पुट करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, कॉस का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि हर को आप सेम करेंगे, समहर करते हैं जिसको। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका, आप अगर जो म्यू की वैल्यू है उसे साइन बाई कॉस अल्फा में साइन फाइव बाई कॉस फाइव रखेंगे, तो आपको यहाँ पे जैसा कि आपने देखा था म्यू आर वन, आर वन की जगह आप ये वैल्यू रखेंगे, मान लीजिए एक क्वेश्चन सेकंड है पी वन साइन अल्फा बाई प्लस डब्ल्यू कॉस अल्फा, और म्यू की जगह आप साइन फाइव बाई कॉस फाइव रखेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे अगर आप कॉमन लेंगे पी वन को, तो देखिए यहाँ पे पी वन है आपका और आपको पी वन ही निकालना है। यहाँ पे अगर आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पी वन कॉस अल्फा प्लस, अब देखिए इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन फाइव बाई कॉस फाइव और साइन अल्फा। तो ये चीज़ ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ क्या बचेगा डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस यहाँ पे बचेगा डब्ल्यू कॉस अल्फा साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव। अब यहाँ से आप कॉस फाइव से क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो कॉस अल्फा कॉस फाइव प्लस साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा कॉस फाइव इंटू पी वन, और यहाँ पे भी सेम चीज़ कराएंगे कॉस फाइव से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो डब्ल्यू साइन अल्फा कॉस फाइव माइनस डब्ल्यू कॉस अल्फा साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव। अब देखिए कॉस फाइव आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा पी वन। अब ये देखिए कॉस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए माइनस बी का फार्मूला है, तो यहाँ से अल्फा माइनस फाइव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला है, यहाँ से आपका डब्लू साइन अल्फा माइनस फाइव हो जाएगा। तो अब आपको क्या चाहिए, आपको पी की वैल्यू निकालनी है कि मिनिमम हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी, है ना, जब फोर्स हॉरिजेंटल में लग रही होगी बॉडी को मूव कराने के लिए। तो यहाँ से आप अगर बात करेंगे तो पी वन बराबर आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस फाइव बाई कॉस अल्फा माइनस फाइव, है ना। अब देखिए साइन अल्फा माइनस फाइव और कॉस अल्फा माइनस फाइव बराबर टेन अल्फा माइनस फाइव हो जाएगा, तो यहाँ से डब्ल्यू टेन अल्फा माइनस फाइव जो हो जाएगा ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, जहाँ पे ऑब्वियस सी बात है अल्फा क्या होगा हमारा फाइव से फ्रिक्शन एंगल से बड़ा होगा, है ना। और
इन केस अगर मान लीजिए आपका फ्रिक्शन एंगल बड़ा है तो सेकेंड केस हो जाएगा। अब हमने देखा कि जब हमारी बॉडी क्या है, बॉडी पे हॉरिजेंटल फोर्स मतलब कि हॉरिजेंटल प्लेन के पैरेलल फोर्स लग रही थी और बॉडी क्या कर रही थी, नीचे की तरफ फिसल रही थी। इसी तरीके से अगर हम दूसरे केस की बात करें तो दूसरा केस क्या हमारा बनेगा कि जो बॉडी पे लगने वाली फोर्स है वो आपकी हॉरिजेंटल ही लगे लेकिन बॉडी आपकी क्या है, नीचे की तरफ ना मूव करे। बॉडी जो लगने वाली फोर्स है हॉरिजेंटल वो क्या करे, बॉडी को ऊपर की तरफ मूव करा रही हो, है ना। मतलब कि हम ऐसी जो ये फोर्स है वो कितने अमाउंट में मिनिमम फोर्स लगाएं कि बॉडी हमारी नीचे की तरफ ना मूव करके ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे। तो अगर हम इस सेकंड केस की बात करें तो आइए पहले डिस्कस करते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले आप देखें P2 क्या होगा, पैरेलल टू दिस हॉरिजेंटल प्लेन लगेगा, ठीक है। ये आपका इंक्लाइंड प्लेन एक्स है मान लीजिए, तो इसका कंपोनेंट आपको P2 cos अल्फा यहाँ पे मिलेगा और P2 sin अल्फा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन मिलेगा। इस बार आपने क्या कंसीडर किया कि बॉडी हमारी नीचे की तरफ ना मूव करके ऊपर की तरफ मूव कर रही हो, तो बॉडी जब ऊपर की तरफ आपकी मूव करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स हमारी नीचे की तरफ लग रही होगी, है ना। अब अगर बात करेंगे तो यहाँ पे चूंकि आपका गलत रिप्रेजेंट कर रहा है फिगर, तो फ्रिक्शन होगा चूंकि बॉडी हमारी क्या है, फोर्स जो है वो मिनिमम फोर्स क्या करेगा, बॉडी को पुल करेगा ऊपर की तरफ, ये पूछ रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपका जो फ्रिक्शन होगा वो बॉडी के मोशन का अपोज करेगा, दैट इज ये जो आपको फ्रिक्शन में FR2 ऊपर की तरफ दिख रहा है ये नीचे की तरफ कार्य करेगा, है ना। बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही होगी तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, बॉडी के मोमेंट के अगेंस्ट नीचे की तरफ कार्य करेगा। उसके अलावा R2 रिएक्शन फोर्स सेम वही कंपोनेंट P2 का, P2 साइन अल्फा और W कॉस अल्फा ये नीचे की तरफ कार्य कर रहे होंगे परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो अगर यहाँ से हम फोर्सेस को बैलेंस करें तो देखेंगे कि अगर हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में बैलेंस करें तो सबसे पहले हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्या होगा, दैट इज पैरेलल टू दिस इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पे आपका P2 कॉस अल्फा जो है वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, जो आपका वेट का कंपोनेंट नीचे की तरफ लग रहा है, दैट इज W साइन अल्फा प्लस F2 विच इज म्यू R2, है ना। अब यहाँ से आपको अगर देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, F2 बराबर म्यू R2 आप पुट करेंगे और पुट करेंगे तो आपको P2 cos अल्फा बराबर क्या मिल जाएगा, W sin अल्फा प्लस म्यू R2। अब R2 की बात करें, आपका ऊपर दिया हुआ है तो R2 यहाँ से आप आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे, R2 बराबर क्या हो जाएगा, W cos अल्फा प्लस P2 sin अल्फा, है ना। ये देखिए P2 sin अल्फा प्लस W cos अल्फा ये आपका R2 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, R2 की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, साथ ही साथ म्यू बराबर tan phi बराबर क्या होता है, sin phi by cos phi। तो आप ये वैल्यूज रखेंगे तो आपका जो ये P2 cos अल्फा W sin अल्फा म्यू की वैल्यू sin phi by cos phi एंड R2 की वैल्यू आपकी W sin अल्फा हो आपकी W cos अल्फा प्लस P2 sin अल्फा। अब यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करेंगे, अब आप क्या करें, आपको P2 निकालना है तो P2 को एक साइड कर लीजिए, तो P2 cos अल्फा माइनस आपको यहाँ पे P2 मिलेगा माइनस sin phi by cos phi into P2 sin अल्फा, है ना। ये चीज़ हो गया और ये क्या हो जाएगा, W sin अल्फा प्लस W cos अल्फा into sin phi by cos phi। यहाँ से आप क्या करेंगे, cos phi से मल्टीप्लाई क्रॉस कराइए तो आपका क्या हो जाएगा, P2 कॉमन ले लीजिए, sin अल्फा और cos अल्फा cos phi माइनस sin अल्फा sin phi अपॉन cos phi। अब W कॉमन लेंगे तो W फिर क्या बचेगा, sin अल्फा cos phi W cos अल्फा sin phi अपॉन cos phi, cos phi आपका कैंसिल आउट हो जाएगा
और फाइनली क्या आएगा पी टू। अब आप देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये क्या होता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे होंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का होता है, तो दोनों को यहाँ पे उस फॉर्म के फॉर्मूले के फॉर्म में रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा पी टू कॉस अल्फा प्लस फाइव प्लस डब्लू साइन अल्फा प्लस फाइव। अब यहाँ से आपका पी टू निकल के आ जाएगा डब्लू साइन अल्फा प्लस फाइव बाई कॉस अल्फा प्लस फाइव। अब साइन बाई कॉस क्या होता है टैन होता है, तो ये आपका हो जाएगा पी टू बराबर डब्लू टैन अल्फा प्लस फाइव। तो यहाँ से जो हमारा पी टू फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा डब्लू टैन अल्फा प्लस फाइव। चलिए इस पे बेस्ड कुछ जो है हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं कि इस पे बेस्ड प्रॉब्लम को किस तरीके से हम डील करते हैं जो अभी हमने पढ़ा है। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है नीचे, आपकी जो